गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और इस वीडियो में हम कतर एयरवेज की जॉब वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ के एंड में ये इंटरव्यू होगा या फिर मई के बिगिनिंग में होगा। डेट्स जो है वो अभी तक नहीं बताई गई हैं, लेकिन जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 21 अप्रैल है, सिर्फ इतना बताया गया है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि अप्रैल टू मई के सेशन में ये इंटरव्यूज होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर, कतर एयरवेज किसी के भी थ्रू कभी भी आपको कोई पैसे चार्ज नहीं करती है। कतर आपको कभी भी कॉल या मेल नहीं करती है पैसे मांगने के लिए या मैसेजेस नहीं करती है। कतर का कोई भी पर्सन चाहे वो यूनिफॉर्म में पोज करे, चाहे वो आपको आईडी कार्ड दिखाए, वो आपसे कुछ भी अमाउंट मांगे किसी भी नाम पे, मेडिकल के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, पासपोर्ट के नाम पे, रिटन एग्जाम के नाम पे, चाहे वो पर्सन ये भी कहे कि ये जो अमाउंट है ये रिफंड हो जाएगा, आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना होता है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ कतर के लिए नहीं, सभी एयरलाइंस के लिए एप्लीकेबल है। जब भी आपसे कोई पैसा मांगता है और एयरलाइंस किसी भी एयरलाइंस का नाम लेके खुद को क्लेम करता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जिसको IGI कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाकी एयरलाइंस किसी के भी नाम से आपसे पैसे लेता है, हमेशा वो फ्रॉड होता है। कभी भी आपसे कोई भी पैसे मांगता है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि वो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी एयरलाइंस कभी पैसे चार्ज नहीं करती हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कतर का जो इंटरव्यू है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कब, कहाँ पे और कैसे ये इंटरव्यू है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वैकेंसीज हैं ये कतर की तरफ से हैं फॉर कैबिन क्रू। इसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको इंडिया छोड़ के कतर में, कतर की जो कैपिटल है दोहा, यहाँ पे रिलोकेट होना पड़ेगा, ये आपका फ्लाइंग बेस होगा। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2019 है, और उससे पहले आपको अप्लाई करना है। ऐसा एक बार हुआ था कि मैंने कतर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की थी और मैंने उससे एक महीने पहले ही वीडियो बना ली थी। जैसे अभी मैं मार्च में बना रही हूँ और जो लास्ट डेट है वो अप्रैल की है। कुछ ही दिनों में उन्होंने डेट्स रिवाइज की थी और डेट्स को प्रीपॉन कर दिया था, यानी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो आगे कर दी थी। इसीलिए जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 21 अप्रैल से पहले, जस्ट अप्लाई स्ट्रेट अवे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अप्लाई करने का भी लिंक दूंगी और वैकेंसीज का भी लिंक दूंगी, ताकि अगर आप एक बार खुद नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं अपनी संतुष्टि के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना कंपलसरी है, बिना ऑनलाइन अप्लाई किए आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले मिनिमम जो एज है ये आपके 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 ईयर्स से जो भी लोग यंग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो हाइट है ये आपकी नॉर्मल हाइट, जैसे एयरलाइंस नापती है उस बेसिस पे नहीं होगा। आप ऊपर एक डॉट होगा या एक लाइन होगी जो 212 सेंटीमीटर की हाइट पे होगा। अगर आप उस डॉट या लाइन को छू सकते हैं, चाहे आप अपने पैर उचका के भी छुएं तो भी आपको परमिटेड है छूना। अगर आप उसको छू पाते हैं तो आप हाइट का जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करते हैं। क्वालिफिकेशन में दे वांट 12th पास कैंडिडेट्स जिनकी फ्लुएंसी हो रिटन एंड स्पोकन दोनों फॉर्म ऑफ इंग्लिश में, यानी आप इंग्लिश अच्छे से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आपकी हेल्थ और फिटनेस एक्सेलेंट हो। आगे जो मैं आपको अभी 2-3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ये बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, बट प्लीज़ इनको ध्यान से सुनना। पॉइंट्स के मैं बताऊंगी क्यों। आपकी जो हेल्थ और फिटनेस है वो एक्सेलेंट हो, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यू मस्ट बी विलिंग टू रिलोकेट टू दोहा, यानी आप दोहा जाने के लिए तैयार हों सिलेक्शन के बाद। पॉइंट नंबर थ्री, कि आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं यानी आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हो, और आप एक मल्टीनेशनल टीम यानी बहुत सारी कंट्रीज के जो लोग हैं वो आपके कलीग्स हो गए, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाए तो अगर ये पॉइंट्स आप अपने रिज्यूमे में या अपनी पर्सनालिटी में या अपने इंटरव्यू में कहीं पे दिखा पाएं, फर्स्ट ये कि आप सभी कल्चरल बैकग्राउंड के साथ जेलप हो सकते हैं, क्योंकि दे हैव मेंशनड इट दैट दे वांट पीपल हु कैन जेलप विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट बैकग्राउंड्स। दे वांट एक्सेलेंट हेल्थ एंड फिटनेस। आप इंटरव्यूज में, अपनी हॉबीज में, अपने आंसर्स में कहीं पे ऐसे हिंट्स ड्रॉप कर पाएं दैट यू रियली लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड यू आर डिसिप्लिन पर्सन, और आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट स्पेशली मैंशन किए हैं, तो दैट विल इंक्रीज योर चांसेज ऑफ सिलेक्शन। ये जो इंटरव्यू है ये कोलकाता में है, लेकिन इंटरव्यू का डेट, प्लेस और जो वेन्यू है अभी तक नहीं बताया गया है। प्लेस और वेन्यू के जगह पे लिखा हुआ है TBA। TBA का मतलब होता है टू बी अनाउंस्ड, यानी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो या तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हैं, या ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको कतर की तरफ से एक मेल आता है, एक रिप्लाई आता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, यानी आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई और अब आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। कुछ लोगों को रिप्लाई ना आने पे भी या रिजेक्शन का रिप्लाई आने पे भी वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो मे बी ये एक रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने इस बार डेट प्लेस टाइमिंग नहीं बताई है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई जाएंगी जो लोग क्लियर करते हैं, जब उनको इंटरव्यू में, जब उनको मेल में रिप्लाई आएगा। टू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। फर्स्ट, अगर इंटरव्यू कोलकाता में है, आप किसी भी और सिटी से हैं,
प्लीज़ डू नॉट वेट कि हमारे सिटी में कब इंटरव्यू होगा, गो एंड गिव द इंटरव्यू देयर, यू विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन. सेकंड, प्लीज़ डू नॉट आस्क मी इन द कमेंट्स कि हमारी सिटी में इंटरव्यू कब होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में एडवांस में नहीं पता होता है. जब नोटिफिकेशन पब्लिक होता है सिर्फ तभी मुझे जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में पता चलता है. तो मुझे किसी भी एयरलाइंस की अंदर की जानकारी नहीं है कि कब कहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है. सो आई रियली डोंट नो कि कब कहाँ पे इंटरव्यू. आपको अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनमें सबसे पहले है एक CV जो आपको इंग्लिश में बना के ले जाना है. सेकंड, एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अगर पासपोर्ट नहीं है और अप्लाई किया हुआ है तो जो आपको रिसिट मिली हुई होगी उसकी फोटोकॉपी आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मल ड्रेस में या फॉर्मल अटायर में आपका एक फोटोग्राफ, लेकिन फोटो पूरा फुल लेंथ का नहीं लेना है, सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो लेना है. आपके जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 12th पास हैं अगर आप तो वो, ग्रेजुएट हैं तो वो, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो, यानी आपके क्वालिफिकेशन में जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी एक कॉपी यानी फोटोकॉपी. नाउ अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले नीचे जो ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने का उस पर आपको क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करना है. उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कतर से रिलेटेड. मैं एक बार ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको कतर का ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी मैं, आप जाके देख सकते हैं. जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ अटैच करने हैं, जैसे आपको एक रिज्यूमे या CV अटैच करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है और अपने पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है. अगर पासपोर्ट की कॉपी नहीं है तो रिसिट की जो कॉपी है उसको आप अपलोड कर सकते हैं. ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के साथ साथ. 21 अप्रैल से पहले आपको ये अप्लाई करना है. उसके बाद आपकी अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको एक रिप्लाई आएगा मेल में. जब वो रिप्लाई आ जाएगा तो उसमें आपको डेट, प्लेस, टाइमिंग जो है इंटरव्यू की ये बता दी जाएंगी. और उस दिन जैसे आप फॉर्मल कपड़े पहन के और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी होके जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे कुछ स्टेजेस होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जैसे नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद आपको फर्दर नोटिफाई किया जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑन हाउ यू हैव टू अप्लाई. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. इफ यू डिड देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप. सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर जॉब वैकेंसीज. कोई भी अगर आपको डाउट है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच.